हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, जब भी आपके कुंडली में मून एंड केतु का कंजंक्शन होता है या फिर आपके कुंडली के मून के ऊपर केतु का कोई भी एस्पेक्ट पड़ता है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसी को लेके डिस्कस करेंगे। एंड केतु का एस्पेक्ट्स का तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे प्लेस्ड है वहाँ से 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट, स्पेशली डायरेक्ट जो एस्पेक्ट पड़ता है मतलब 7th एस्पेक्ट, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसी को लेके हम लोग आज डिस्कशन पे पूरा बताएंगे। एंड पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में अपना ओपिनियन बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उनको भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहे। सो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहले तो जान लेते हैं कि चंद्रदेव क्या डिनोट करता है। चंद्रदेव आपके कुंडली में आपका जो भी मेंटल स्टेबिलिटी, थिंकिंग प्रोसेस, इमोशन, सेंटिमेंट, ये सब हम चंद्रदेव से जोड़ के देख सकते हैं। चंद्रदेव से माता को भी जोड़ के देख सकते हैं। माँ के साथ आपका रिलेशन कैसा है वो भी चंद्रदेव से पता किया जा सकता है। चंद्रदेव एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरिशमेंट, ये सब को डिनोट करते हैं। अब केतुदेव जो कि स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है एंड मोक्ष का प्लैनेट है, केतुदेव बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर्ड प्लैनेट है। केतुदेव डिटैचमेंट को शो करता है, जैसे कि राहु केतु वाला सीरीज़ में हर समय बोलती हूँ कि राहु देव जहाँ पे प्लेस्ड है वहाँ की तरफ आपका एक खिंचाव होगा एंड केतुदेव जहाँ पे प्लेस्ड है वहाँ से आपको एक डिटैचमेंट फील होगा। एंड राहु देव ऑब्सेशन को डिनोट करते हैं, केतुदेव उसका उल्टा। राहुदेव मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, केतुदेव मोक्ष का प्लैनेट है, ठीक है। तो दोनों का जो नेचर है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो अब मून एंड केतु का कंजंक्शन अगर आपके कुंडली में हो रहा है, पहले तो देखिए डिग्री वाइज डिफरेंस क्या है। हर समय कंजंक्शन में मैं वही आपको देखने को फर्स्ट बोलती हूँ कि डिग्री वाइज डिफरेंस चेक कीजिए। अगर 10 से लेके 15 डिग्री के अंदर है तो ही उस कंजंक्शन का आपको रिजल्ट ज़्यादा दिखने को मिलेगा, अदरवाइज उतना ज़्यादा दिखने को नहीं मिलेगा, ओके। अब देखिए, चंद्र केतु कंजंक्शन से ये जो पर्सन होंगे अपने जो भी इमोशन होंगे उनको ज़्यादातर अपने आप में समेट के रखेंगे, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने इमोशन को। मतलब जो भी अपने दिल के अंदर उनका चलेगा वो अपने अंदर ही रखेंगे, ज़्यादा अपनी बात को किसी के साथ वो शेयर नहीं करेंगे, स्पेशली टीनेज तक ये ज़्यादातर देखा गया है। देखिए, जब मून राहु कंजंक्शन होता है ये जो पर्सन होंगे एग्रेसिवली सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे, गुस्सा या फिर दुख जो भी है, एंड वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। देखिए, राहु कंजंक्शन विद अदर प्लैनेट्स के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, तो आपको वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पर्सन होंगे अगर दुखी है तो खुद में ही वो रखेंगे, मतलब किसी को जाके नहीं बोलेंगे कुछ भी एंड घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर। अगर इनको कोई भी इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होगा तो ये दूसरों को जाके ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे चाहिए सपोर्ट, ठीक। अच्छा, अगर इस कंजंक्शन के दौरान आपका जो मून है वो किसी अच्छे साइन में प्लेस्ड है, मतलब वृषभ राशि में प्लेस्ड है या फिर कर्क राशि में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे मून का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो गया, मतलब मून यहाँ पे अच्छा हो गया, तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फिर स्पिरिचुअल पर्सन हो जाएंगे। उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो एनलाइटमेंट, ग्रोथ, ये सब आपको दिखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा साइकिक एबिलिटी उनके अंदर आ जाएगी। फिर बहुत अच्छे से वो अगर किसी भी घटना का प्रेडिक्शन देना हो तो इनसे अच्छा कोई नहीं दे सकते। ऑकल्ट नॉलेज या फिर स्पिरिचुअलिटी का जो आध्यात्मिक जो नॉलेज है वो इनके पास बहुत ज़्यादा फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। केतु से हम रिसर्च एबिलिटी को भी देखते हैं, तो इनका जो माइंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होगा, अगर मून यहाँ पर अच्छा है तो। पर अगर मून आपका ख़राब पोजिशन में प्लेस्ड है एंड मून का जो
डिग्निटी है वो यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो ये पर्सन के अंदर फियर, एनजाइटी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी एंड ये पर्सन फिर डिप्रेस्ड रहना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली मून केतु कंजंक्शन जिस भी पर्सन के चार्ट में होगा, वो पर्सन अब बचपन में उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ को लेके फोबिया रह सकता है एंड उस फोबिया का कोई रीज़न नहीं होगा, मतलब उसका कोई प्रैक्टिकल रीज़न, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होगा। किसी भी चीज़ से एक डर लगना, एक अननोन फियर हम जिसको बोलते हैं, वैसा टाइप का इनका रह सकता है। फिर धीरे धीरे जब उनका एज बढ़ेगा तो इन सब से वो ओवरकम करना स्टार्ट कर देंगे। स्पेशली अगर न्यू बॉर्न किसी बेबी के चार्ट में आप ये कंजंक्शन देख रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। बचपन से ही उनको, बचपन से ऐसी कोई स्टोरीज़, ऐसी कोई घटनाएं ये सब सुनाइए जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग हो, मोटिवेशनल हो। ऐसी कोई स्टोरीज़ या फिर घटनाएं टीवी पे या फिर मोबाइल लैपटॉप में मत देखने दीजिएगा जो बहुत ही ज़्यादा घोस्ट स्टोरी ओरिएंटेड हो या फिर ऐसा कोई ट्रैजिक इंसिडेंट हो रहा है ऐसा कुछ ओरिएंटेड हो, बिकॉज उनके माइंड में फिर उसका गलत एक इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है एंड बचपन से ही उनके साथ बात कीजिए, उनका जो भी इमोशन है वो शेयर करने को बोलिए उनको, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी होंगे, शेयर नहीं करेंगे अपने इमोशन को, तो उनको हेल्प कीजिए आप लोग अगर आप देख रहे हैं कि चार्ट में ये कंजंक्शन है। मून केतु कंजंक्शन अगर आपके चार्ट में है या फिर किसी के भी चार्ट में है, उनकी जो माँ होंगी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती है, पूजा पाठ करने वाली, आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने वाली हो सकती है। पर यहाँ पे माता के साथ भी एक इमोशनल डिटैचमेंट उनको फील हो सकता है, इमोशनल डिटैचमेंट या फिर माँ ही उनसे कहीं दूर रहती होंगी ऐसा भी देखा गया है कभी कभी। इनको ऐसा फील हो सकता है इनकी माँ इनसे प्यार नहीं करती, या फिर इनको कभी कभी ऐसा फील होगा कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसा टाइप का इनका मन ही मन में ये ऐसा ही सोचेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अब देखिए केतु जहाँ पे प्लेस्ड है वहाँ से आपको तो एक डिटैचमेंट देगा ही देगा, तो जिस भी भाव में ये कंजंक्शन हो रहा है वहाँ से आपको एक डिटैचमेंट मिलेगा एंड जहाँ पे उल्टी तरफ राहुदेव प्लेस्ड है उस भाव की तरफ आपका जो ऑब्सेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। सपोज़ ये किसी के फोर्थ हाउस में हो रहा है तो यहाँ पे घर, फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, आपके जो भी सुख का स्थान है ये आपके प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, घर, इन सब को डिनोट करते हैं एंड टेंथ हाउस आपके करियर को डिनोट करते हैं, आपके जो भी पब्लिक इमेज है उनको डिनोट करते हैं। तो फोर्थ हाउस के चीज़ों के प्रति इनका एक डिटैचमेंट, उनको लेके ये लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ये लोग उन सब चीज़ों से बहुत जल्दी ही सेटिस्फाई हो जाएंगे एंड उनका फोकस फिर कहाँ जाएगा, जहाँ पर राहुदेव प्लेस्ड है, क्योंकि वहाँ से उनका एक ऑब्सेशन है, वहाँ से वो खिंचाव फील करेंगे। मून केतु कंजंक्शन में ये बात देखी गई है कि ये लोग बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, राहुदेव जैसे सेटिस्फाई नहीं होते बट केतुदेव बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं। इनको लगेगा कि नहीं, जितना है वो काफ़ी है, क्योंकि केतुदेव आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को भी शो करते हैं। सो ये कंजंक्शन का जो समरी है वो ये है कि अगर ये कंजंक्शन आपके अच्छे वे में काम कर रहा है, आपके कुंडली में चंद्रदेव अच्छे पोजीशन में है एंड गुड डिग्निटी में ये कंजंक्शन काम कर रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है, ऑकल्ट रिलेटेड नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज, रिसर्च, एक रिसर्चर माइंड उनके अंदर हो सकता है, ये सब बहुत पॉजिटिव चीज़ें हम यहाँ से जोड़ के देख सकते हैं। पर अगर ये नेगेटिव वे में काम कर रहा है तो आपके अंदर डिप्रेशन, इमोशनलेस एक एटीट्यूड, मतलब फिर आपका इमोशन रहेगा ही नहीं किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति, तो ऐसा टाइप का एटीट्यूड आपका हो सकता है। ओवरऑल मून केतु कंजंक्शन जिन भी पर्सन का है मैं उनको कहूँगी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, मेडिटेशन कीजिए अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए, अपने माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं होता। एंड गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं, गणेश जी की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आराधना कर सकते हैं, तो भी आपको ये कंजंक्शन का फिर अच्छा रिजल्ट मिलना आरंभ हो जाएगा। अपने माँ के साथ रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए,
उनका आशीर्वाद लेके चलने की कोशिश कीजिए, ब्लेसिंग लेके चलने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे मून के ऊपर केतु का जो ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है, केतुदेव जो भी हो एक नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट ही है, तो इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए एंड मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं। स्पेशली अगर रात को आप मिल्क कंज्यूम करके सोने जाएंगे तो आपको देखेगा कि आपका जो भी माइंड का एंजाइटी है या फिर अप्स एंड डाउन, आपके अंदर जो इमोशन का एक बहुत ही ज़्यादा बवंडर चलता रहता है, उससे आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, जिस भी पर्सन को अगर माइंड से लेके या फिर इमोशन से लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके चार्ट में मून कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड होगा। तो वो मेरा यही रेमेडी रहेगा कि पानी पीजिए एंड मिल्क कंज्यूम कीजिए। आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड फिर मैं आपके लिए बहुत नई नई वीडियोस भी लाते रहूँगी। ठीक है, सो चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।